पिठूर कानपुर से एक खबर आ रही है कि एक आश्रम में कब्जे को लेकर बवाल चल रहा है। जो शिव अखंड शिवधाम आश्रम है, वहां की अध्यक्षा है रेणु तिवारी। उन्होंने कमिश्नर से मिलकर के घटना को अवगत कराया और संत समाज में भी बात किस मामले को लेकर आज कहां आए हैं? मैं मयंक दास राम बल्बा कुंज अयोध्या से आया हूँ। मेरे पास हमारे गुरुदेव भगवान का अधिकारी जी महाराज का फोन आया था। अखंड शिवधाम आश्रम जो कि हमारे आश्रम से जुड़ा हुआ है, उसकी अध्यक्ष रेणु तिवारी हैं। बिठूर में आश्रम बना हुआ है, इसमें अवधूत करके एक बाबा है जो आपराधिक किस्म का है, वही उसका बिठूर में भी आश्रम है। वो कुछ बड़े अधिकारी हैं संघ के, उनके साथ मिल करके उस आश्रम में कब्जा करना चाहता है, जबकि हाईकोर्ट का सीधा आदेश है कि यथास्थिति बनाए रखे। और लोअर कोर्ट ने भी, कानपुर कोर्ट ने आदेश दिया है कि पूजा अर्चना और जितने भी धार्मिक कार्य हैं वो सुचारू रूप से चलने चाहिए। पुलिस बिठूर का जो इंस्पेक्टर हैं और बिठूर के जो चौकी इंचार्ज महोदय हैं, वो वहाँ पे दो सिपाही, एक महिला सिपाही, एक अपना सिपाही बैठाले हुए हैं। उस अवधूत को तो अंदर जाने देते हैं, लेकिन जो हमारी शिष्या हैं रेणु तिवारी जी, उनके किसी भी मिलने वाले को, किसी भी साधु महंत को अंदर आने नहीं देते हैं। चार कमरों में पुलिस ने कब्जा करा दिया है, 82 कमरों का लगभग आश्रम है, और उस पर सीधी निगाह जमी हुई है। जब भी इंस्पेक्टर से बात करने का प्रयास किया गया, उन्होंने कहा कि ऊपर से दबाव है। तो आपको यहाँ क्या आश्वासन दिया गया? ऊपर से यहाँ पे आश्वासन अभी कुछ भी नहीं मिला है। उन्होंने अभी अपने पीआरओ से कहा है कि इंस्पेक्टर बिठूर से बात करके और जानकारी लेकर के उसको बताएं। हम लोगों की मांग केवल इतनी है कि ऊपर से किसका दबाव है और इस पर कोर्ट की अवमानना पुलिस क्यों कर रही है।